Hello, my dear students. Good evening. Another very important process, OBSO process. ये process JEE mains में और NEET के exam में आया हुआ है. इसके related questions आए हुए हैं. So let us discuss what it is all about. OBSO process को hydroformylation भी बोला जाता है. और actually इसमें होता क्या है? यहाँ पर alkene को aldehyde में convert किया जाता है. और कौन सा कैटलाइस्ट यूज किया जाता है? कोबाल्ट या फिर रोडियम कैटलाइज्ड रिएक्शन होती है. और बेसिकली यहाँ पे एडिशन ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप होता है टू द डबल बॉन्ड. अब थोड़ा सा बात करते हैं इसके कैटलिस्ट के बारे में. ये जो मैं कोबाल्ट की बात कर रही हूँ, कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स एक्चुअली क्लस्टर होता है. जो कॉम्प्लेक्स हम यूज करते हैं दैट इज CO2 और ये चार इस तरफ और दूसरी तरफ भी चार कार्बोनाइल ग्रुप लगे होते हैं. तो इट इज एक्चुअली अबाउट द डाई कोबाल्ट ऑप्टा कार्बोनाइल. ओके, एंड द अदर कैटलिस्ट विच वी यूज इन दिस प्रोसेस इज एन बी यू थ्राइस फॉस्फोरस एंड दिस रोडियम कॉम्प्लेक्स एच आर एच सी ओ पी फिनाइल थ्राइस. ओके, अब पहले के टाइम पे वी यूज टू डू दिस यूज दिस कॉम्प्लेक्स बट नाउ डेज वी आर यूजिंग रोडियम कॉम्प्लेक्स. लेकिन इसका क्या फायदा है बच्चों? बेसिकली होता क्या है कि जब एल्कीन को रिएक्ट करवाया जाता है विद द वाटर गैस कार्बन मोनोक्साइड एंड हाइड्रोजन एट वेरी हाई प्रेशर, तो ये जो कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट वाला ये दो कंपाउंड देगा, लीनियर एल्डिहाइड एंड द ब्रांच्ड एल्डिहाइड. डिफरेंट कैटलिस्ट यूज करने से यहाँ लीनियर और ब्रांचिंग के प्रपोर्शन में चेंज आ जाता है. अगर मैं कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स यूज करती हूँ तो लीनियर 4 एंड ब्रांच्ड 1 रेशो में प्रोड्यूस होगा. अगर मैं एन ब्यूटाइल फॉस्फोरस वाला कॉम्प्लेक्स यूज करती हूँ तो 7:1 की रेशो में लीनियर और ब्रांच्ड एल्डिहाइड प्रोड्यूस होंगे. और अगर रोडियम का कॉम्प्लेक्स यूज करती हूँ तो 20:1 की रेशो में लीनियर एंड ब्रांच्ड एल्डिहाइड यूज होंगे. नाउ वी विल अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म. मैं यहाँ पे कोबाल्ट कैटलिस्ट का मैकेनिज्म आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ. ये मैंने एक एल्कीन लिया है और कार्बन मोनोक्साइड एंड हाइड्रोजन जिसको हम कलेक्टिवली वाटर गैस बोलते हैं. एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर यू आर गोइंग टू गेट अ लीनियर लीनियर एल्डिहाइड ग्रुप. ओके, अब बेसिकली सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा जो कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स है वो कैसे वर्क करता है. कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स व्हेन रिएक्ट विद हाइड्रोजन एट वेरी हाई प्रेशर यू विल गेट दिस H2CO2CO8. ठीक है, और अब एट हाई टेम्परेचर यहाँ पर रीअरेंजमेंट होती है, रीअरेंजमेंट टू HCOCO4. अब आगे भी एट हाई टेम्परेचर यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा और आपको ये कॉम्प्लेक्स मिलेगा CO प्लस HCOCO3. अब इस कॉम्प्लेक्स का यूज होता है फॉर दी एल्कीन टू कन्वर्ट इन टू एल्डिहाइड. लेट सी ये कैसे कॉम्प्लेक्स यूज होता है. सी RCH CH2 हमने एल्कीन लिया. ओके, और अब ये फर्दर एल्कीन जो है इस कॉम्प्लेक्स में रिएक्ट करेगा, एच को लेगा एक तरफ से क्योंकि ये डबल बॉन्ड है, इसका एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा. सो एच विल कंबाइन हियर एंड द रेस्ट ऑफ द पार्ट विल बी अटैच टू दिस कार्बन. सो दिस इज द स्ट्रक्चर विच यू विल गेट एज अ इंटरमीडिएट. ओके, नाउ फर्दर जो बाकी का बचा हुआ हमारा CO पार्ट है वो उसके साथ ये रिएक्ट करेगा, CO के साथ रिएक्ट करेगा एंड यू विल गेट दिस कॉम्प्लेक्स RCH2CH2COCO4. हाइड्रोजनालिसिस होगा, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होगी एट वेरी हाई प्रेशर एंड यू विल गेट फाइनली योर लीनियर एल्डिहाइड. ओके, सो दिस इज हाउ ऑक्सो प्रोसेस टेक्स प्लेस एंड इन द नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 ऑफ ऑक्सो प्रोसेस आई विल शेयर विद यू JEE एंड NEET क्वेश्चन. थैंक यू.